नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों का पोस्टर एग्जीबिशन था जिसमें मैंने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर अपना पोस्टर बना के लाया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पोस्टर किस तरह से हमने बनाया था। तो देखिए, इसको इस तरह से हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया। अब देखिए, जैसे ये यहाँ पे है ना, ये मैंने इसको ये रोटेटिंग करने वाला बनाया था, जैसे इसमें क्या जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी लगाया, तो इस साइड को देखिए, यहाँ पे जियो थर्मल एनर्जी का मैंने पोस्टर लगाया है और इसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जियो थर्मल एनर्जी के पोस्टर में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो इस तरह से मैंने इसलिए डाला था क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगे। देखिए थोड़ा सा इस तरह से है ना, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से मैंने इसको क्रिएटिविटी किया जिससे मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरह से पैक कर दिया, ठीक है। फिर मैं इसको इस तरह अगर रोटेट करता हूँ, इस तरह से अगर रोटेट करता हूँ तो ये आ जाता है आपको हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ देखिए आप हाइड्रो पावर प्लांट, तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में सिर्फ पोस्टर मिलेंगे, देखिए। और मैंने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में लिख दिया है जिससे कोई अगर आएंगे तो डायरेक्ट देख के और पढ़ कर समझ सकते हैं कि हाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में क्या क्या है। तो चलिए मैं आपको इनके फोटोग्राफ दिखाता हूँ। मैंने देखे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फोटोग्राफ्स लगाए हैं, तो इससे मैंने जो हमारे जो जजेस आए थे तो उनको आसानी हुआ इसी बात दिखाने में। अब मैं आपको आगे इसको स्लाइड को आगे करता हूँ, रोटेट करता हूँ अर्थ को। आप देख सकते हैं यहाँ आ गया आप सोलर एनर्जी, और यहाँ पे मैंने सोलर एनर्जी के बारे में लिखा हुआ है। और इसमें मैंने इस तरह से इसलिए डिज़ाइन दिया हुआ है कि थोड़ा अच्छा लगता है ना, बर्थडे टाइप का मैंने ये रिबन लिया है और बर्थडे में जो मतलब यूज़ करते हैं ना। और यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी का मैंने 4 पोस्टर इसमें लगाया, यहाँ से मैंने लगाया, आप देख सकते हैं। मैंने एक लाइट लगाया, फिर इसके बाद ये वाटर सोलर एनर्जी लगाया, फिर इसके बाद ये, तो इस तरह से मैंने लगाया। तो इससे क्या हुआ कि एक इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है किसी को भी। उसके बाद आगे आगे चलते हैं, आगे जब आप इसको इसे टर्न करते हैं तो विंड एनर्जी आता है। फिर मैंने यहाँ पे विंड एनर्जी को लगा दिया, ठीक है, इसके डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके बगल में मैंने विंड एनर्जी के बारे में राइट डाउन कर दिया जिससे लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैं चलिए मैं आपको विंड एनर्जी खोल के दिखाता हूँ कि वो किस तरह से है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का डिजाइनिंग इसको दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें भी मैंने 5 स्लाइड शो किए। लास्ट है आपका, वो है बायोमास एनर्जी। आपको पता है आज के डेट में बायोमास एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। और आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब आप कोई भी पोस्टर या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आप उसके ऊपर अगर ज़्यादा स्टडी नहीं भी किए ना, बनाने के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर लेते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो याद हो जाता है। देखिए बायोमास सोर्सेज के बारे में मैंने यहाँ दिखाया, टाइप्स ऑफ बायोमास के बारे में मैंने दिखाया, टाइप्स ऑफ बायोमास के बारे में, फिर बायोमास एनर्जी क्या होता है, फिर साइकिल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो ये क्या ना, एक पोस्टर एग्जीबिशन के थ्रू मैंने एक शॉर्ट में एक मतलब मैसेज देना चाहा कि हाँ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और इनमें क्या क्या आते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहाँ पे एंड होता है। मैंने यहाँ पर आपको यह दिखाया कि मैंने जो पोस्टर एग्जीबिशन में जो अपना पोस्टर लगाया था, सबको बहुत पसंद आया, अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होता है, जो कि 19 तारीख को नीतीश सर आने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो यह प्रोजेक्ट मैंने बनाया, पोस्टर बनाया, मुझे बहुत तारीफ मिल रही है, और आप लोग भी इसको बनाइए, आपको भी तारीफ मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।